कोर्स ये इनके लिए तो बड़ी चीज है ही है. इट्स अ मोमेंट फॉर हर बट अ मोमेंट फॉर मी एंड एंटायर रेड एफएम हियर राइट नाउ रेड एफएम स्टूडियोस. हमारी मुंबई की रानी हमारी अनुष्का माइक के उस पार एज एन एक्टर विद आवर ब्रांड न्यू शॉर्ट फिल्म दावे के साथ कह सकती हूँ कि इतना अमेजिंग स्वागत मेरा किसी भी रेडियो स्टेशन में से पहले नहीं हुआ. थैंक यू सो मच. राइटर ऑफ पर्दे में रहने दो हाय प्रांजलि एंड गरिमा बोथ ऑफ देम. तो पूरी टीम इकट्ठा है. सबसे पहले इंटरव्यू आई नो हम अभी करेंगे बातचीत करेंगे मनुष्का यू नो द ड्रिल ऑफ कोर्स बट आज सब ड्रिल भूल जाना ना मैं को याद ही नहीं है. मैं जितनी नर्वस हूँ माइक के इस साइड पे मैं तुम्हें बता नहीं सकती. पहले ये कुछ चंद लाइनें हैं. हाय एवरीबॉडी गोज वाह 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 पहले से. ये मुझे से लगता है कि पिछले जन्म में से कुछ तो है ये मेरे. ओके देन शायरी आपने शायरी लिखी. हाँ बिल्कुल मोहब्बत. पहले रेडियो फिर ओटीटी. पहले रेडियो फिर टीवी और अब ओटीटी पे आ रही है बच के रहना इससे जानी. इसके अलग अलग टैलेंट्स देख के दुनिया बन रही है इसकी दीवानी. हंसाए हमको कभी जोर से और कभी बहा दे आंखों से पानी. आज फॉर अ चेंज एवरीबॉडी माइक के उस पार होगी हमारी वन एंड ओनली मुंबई की पिघल गई मैं यहीं पे पिघल गई. वेरी वेरी स्पेशल मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस एंड वेरी वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू मनुष्का. थैंक यू वेरी मच टू एवरीवन. मतलब आई नो यू ऑल माइक्रो ओनली मगर फिर भी रेड एफएम के मैं बहुत शुक्रगुजार होना चाहूंगी बिकॉज इट्स जस्ट अमेजिंग व्हाट यू हैव डन. कितनी प्यारी है तू. सो आई हैव सीन द ट्रेलर. मतलब ऑफ कोर्स मैंने देखा एंड आई विल नॉट गो बैक टू द कॉन्वर्सेशन आई हैड विद यू बट कुछ और चीजें जो मेरे दिमाग में रही जो मैंने देखा उसके हिसाब से बता रही हूँ. देयर इज अ मुद्दा इन द एंटायर शॉर्ट फिल्म. पूरी कहानी इट्स वेरी इमोशनल. इट्स समथिंग विच ऐसी कोई बंदी नहीं है इस दुनिया में जो इस चीज से रिलेट नहीं करेगी. पुल्स फ्यू स्ट्रिंग्स इन योर हेड एंड इट डज इट वेरी हार्ड हिटिंग वे. सो सबसे पहले तो मैं डायरेक्टर हिना से जानना चाहती हूँ. ओके हिना आई वांट टू अंडरस्टैंड ये जो पर्टिकुलर टॉपिक उठाया अबाउट यू नो हाउ ब्यूटी एंड लुक्स को लेकर लोग जनरलाइज करते हैं और ये तो फैक्ट है सालों से चलता चला रहा है. सी इस मुद्दे पे बहुत सारी कहानियां ऑलरेडी कही गई हैं अलग अलग तरीके से कही गई हैं. लेकिन मुझे इस स्क्रिप्ट के बारे में एक चीज ये अच्छी लगी कि इट यूजुअली जब आप किसी मुद्दे पर कोई फिल्म बनाते हैं तो वो बहुत ब्लैक एंड व्हाइट ट्रीटमेंट होता है उसका क्योंकि मैसेज को अंडरलाइन करना होता है. लेकिन रियल लाइफ में ये जो मुद्दे हम फेस करते हैं वो इतने ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होते हैं. यू नो वो बहुत सटल तरीके से हम फेस करते हैं जैसे गैस लाइटिंग हो गया. यू नो दीज सटल जोक्स एंड दीज लिटिल थिंग्स आर द वंस जो एड अप टू आर इनसिक्योरिटीज. तो मुझे इस चीज इस स्क्रिप्ट के बारे में यही सेंसिबिलिटीज अच्छी लगी कि कैसे इन्होंने कैरेक्टर जो कि सरफेस पे तो उसकी लाइफ बहुत ऑर्डिनरी दिखती है ऐसा लगता है सब तो ठीक है कुहू की लाइफ में क्या बुरा है. लेकिन दीज लिटिल थिंग्स दैट आर हैपनिंग टू हर आई ऑल्सो कनेक्टेड टू इट. लाइक आई हैव नेवर फेस्ड डोमेस्टिक वायलेंस और वर्बल अब्यूज लेकिन आई हैव श्योरली फेस्ड दीज लिटिल सटल फॉर्म्स ऑफ यू नो डिस्क्रिमिनेशन या गैस लाइटिंग बोल लो काम पे बोल लो. व्हाट वर द मतलब इन शॉर्ट इफ आई आस्क यू व्हेन यू आर सेइंग गैस लाइटिंग डिस्क्रिमिनेशन if you have to point out what would you say like in the workplace being a female director main aisa nahi kahungi ki kabhi mere sath bahut badi ghatna hui hai jab jahan par mujhe lekin kahin kabhi aisa feel hota hai kuch aisi cheeze hoti hain jisse aapko feel hota hai ki nahi yaar but you know since these are very subtle small things you can't make an issue out of it but it still affects you deep down and adds up to your insecurities. to mujhe is script ke bare mein yahi cheez अच्छी लगी कि कुहू की जो सारी इवन उसका जो स्पाउस बताया है यू नो ही इज अ वेरी ऑर्डिनरी गाय
एंड दिमाग में वो सलमान खान है. सलमान खान भी शायद नहीं है, मतलब नहीं है सलमान. इनफैक्ट वो जो करता है उसको लगता है कि मैं तो बस लाइट हार्टेड मजाक कर रहा हूँ. वो उसको ही इज ऑल्सो विक्टिम ऑफ पेट्रियार्की. उसको समझ भी नहीं आ रहा कि मैंने ऐसा क्या बोल दिया जिससे इसको इतना दिमाग पर असर हो गया है. तो मुझे तो इसीलिए आई लाइक द स्क्रिप्ट बिकॉज इट केटर्स टू विमेन फ्रॉम ऑल स्ट्राटा. ऐसा नहीं है कि कोई बोलेंगी कि नहीं मैंने ऐसा कभी देखा नहीं है. एंड इन अ वेरी सटल एंड सेंसिबल वे. तो इसीलिए तो मुझे तो स्क्रिप्ट से मैंने सोचा दबोच लो स्क्रिप्ट को, इससे पहले चली जाए मैं इसको दबोच लो. बिफोर आई कम टू मलिष्का, बिकॉज़ मेरे पास मलिष्का के लिए तो बिल्कुल ही सेट क्वेश्चन है. आई वांट टू आस्क बोथ ऑफ यू, इस तरह राइटर्स की राइटिंग करना आसान नहीं है? बिकॉज यूर मुझे जहां तक पर्सनली लगता है स्ट्रेस ये होता है कि ज्यादा क्या है और कम क्या है. यू नो कुछ ज्यादा ही फेमिनिज्म की तरफ तो नहीं जा रहे? इस तरह का कुछ जोल जाल चल रहा था दिमाग में? अरे तो नहीं हो रहा, बिल्कुल. लाइक वी डिडंट वांट इट टू बी अ स्टेटमेंट फिल्म ओनली, वी वांटेड इट टू बी एंटरटेनिंग और ऐसा कि लोग देखकर उनको मजा आए और चार हंसी मजाक भी हो, लेकिन फिर जो बोलना चाहते हैं वो भी हो जाए. और जिंदगी ऐसी होती है ना कि हमारे साथ रैंडम कुछ चीजें होती हैं जो हमें थोड़ा शायद बुरी तरह से इफेक्ट करती हैं, देन वी गेट ऑन विद लाइफ. कोई दोस्त कोई एक जोक मार देगा, निकल जाएंगे. सो दैट वाज द मोटिव. और हम शुरू से जब बात कर रहे थे कि हमें क्या कहानी बतानी है, इट स्टार्टेड विद दिस विजुअल कि हम इतनी ज्यादा महिलाएं इंडिया में स्कूटी पे अपना ये दुपट्टा बांध के चलती हैं, ठीक है? ये दैट वाज द बिगिनिंग थॉट. तो हु आर दे, वो क्यों ये करती हैं, हम क्यों दुपट्टा पहनती हैं, क्या लड़के पहनते हैं क्या ज्यादा? इट्स अ जेन्युइन क्वेश्चन, है ना? तो हमें अपने आपको धूल मिट्टी प्रदूषण से बचाना है, धूप से बचाना है, हम काले नहीं होएंगे. और फिर वहां से चीजें शुरू होती हैं, है ना? एंड फिर धीरे धीरे हमने बात करनी शुरू करी कि इट वाज मोस्टली डिस्कशन की कौन कैरेक्टर है, कुहू की जिंदगी कैसी है, काम पे क्या करती है, उसको कैसा लगता है. एंड हाँ, एट एवरी पॉइंट ये तो मोटिव था कि कुछ ऐसा बताएंगे जो हर कोई जिससे थोड़ा रिलेट कर पाए. एक कुछ ऐसा बनाना है जो एक औरत देखे और बोले कि इसमें कहीं मेरी कहानी भी थी. और एट द सेम टाइम एंगेजिंग, एंटरटेनिंग, ऐसा देख के मजा भी आए. सो यू केप्ट दैट बैलेंस, 100% श्योर कि मतलब लाइक दैट.